नमस्कार। जब जब सुंदर पिचई परेशान हुए तब तब उन्होंने एक नए प्रोडक्ट का आविष्कार किया। जी हां, आज अपन बात करेंगे गूगल ट्रांसलेट की। गूगल ट्रांसलेट का आविष्कार कैसे हुआ पता है आपको? आज मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। गूगल ट्रांसलेट अभी वर्तमान में भारत में हर महीने तकरीबन 4 करोड़ लोग इसको यूज करते हैं। यह दुनिया की 108 भाषाओं को चुटकी में अनुवाद कर लेता है और यह 2006 में लॉन्च किया गया था। इसके पीछे बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको बता दूं। एक बार सुंदर पिचई चीन गए किसी बिजनेस के सिलसिले में। वहां चीन गए तो वहां पे चीन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि चीन के छोटी सी जगह और बड़ी की बड़ी सी जगह पर वहाँ पे चीनी भाषा का इस्तेमाल होता है। सभी लोग चीनी भाषा ही इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इंग्लिश और अदर लैंग्वेज बहुत नाम मात्र की चलती। जब उनके बिजनेस की मीटिंग होती थी तब सुंदर पिचई के पास में एक अनुवादक होता था जिसको अपन दू भाषिया बोलते हैं। तो जब बिजनेस की मीटिंग होती थी तब वो सामने चीन के अधिकारियों से जब बात करते थे तो चीनी अधिकारी चीनी भाषा में बात करते थे, अनुवादक उस चीनी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुंदर पिचई को समझाता था। पूरे दिन भर मीटिंग चलती थी और पूरे दिन भर ऐसे ही चलता था। यहाँ तक तो ठीक था, सुंदर पिचई को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जब बिजनेस की मीटिंग खत्म होने के बाद में सुंदर पिचई मार्केट में जाते थे घूमने, तो वहाँ पर कहीं पर जाते थे तो वहाँ पर भी चीनी भाषा बोली जाती थी, तो वहाँ पर उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर होटल में गए तो होटल में भी छोटा सा छोटा कर्मचारी चीनी भाषा ही बोलता था, वहाँ पे भी परेशानी आई। उसके बाद वो मार्केट में कोई भी सामान खरीदने गए वहाँ पे, तो वहाँ पे भी चीनी भाषा ही बोली जाती थी, वहाँ पे भी सुंदर पिचई को बहुत परेशानी आई। तो यार सुंदर पिचई को लगा कि यार हर जगह चीनी भाषा बोली जाती है यहाँ पे, और छोटी से छोटी जगह, और यहाँ पे कोई समझता भी नहीं, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई। तो उन्होंने सोचा कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। उनके एक दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक मोबाइल में ऐसा ऐप हो तो उसको कोई भी भाषा बोले तो वो तुरंत अनुवाद हो जाए। जब ये आइडिया उनके दिमाग में क्रिएट हुआ तो उन्होंने तुरंत अमेरिका हेड ऑफिस गूगल में फ़ोन लगाया और अपने पूरी सॉफ्टवेयर टीम को चीन में बुलाया। उस सॉफ्टवेयर टीम को पूरा प्रोजेक्ट समझाया कि मेरे को यहाँ कैसी परेशानी आई और इसको आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हो, मेरे को एक ऐसा ऐप चाहिए जो तुरंत मिनटों में वो भाषा जिस भाषा में इंसान चाहिए उसका अनुवाद कर ले। सॉफ्टवेयर अधिकारियों ने 1 साल मेहनत की इसके ऊपर और आज देखिए गूगल ट्रांसलेट कितना लोकप्रिय है। भारत में तो ही है, आप तुरंत कहीं पे भी जाते हो, विदेशों में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, किसी का भी कोई अनुवाद ना आए तो तुरंत आप गूगल ट्रांसलेट में डाल देते हो और तुरंत अनुवाद हो जाता है। तो ये देखिए, जब जब सुंदर पिचई परेशान हुए तब तो उन्होंने नए प्रोडक्ट का आविष्कार किया। चीन गए, चीन जाके परेशान हुए तो गूगल ट्रांसलेट का आविष्कार किया। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।